नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा और अगले 5 दिनों तक भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगर हम आज के मुख्य हाईलाइट की बात करें तो जो हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत है, वहाँ पे जो है 3 अप्रैल यानी कि कल हमें कुछ एक स्थानों पे रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और एक आध स्थानों पे ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। 4 अप्रैल से रेनफॉल में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी पूरे के पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत में। अगर हम पिछले 24 घंटे के ऑब्जर्व वेदर की बात करें तो कल हमें तमिलनाडु में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर बारिश मिली है, और अगर हम कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा को देखेंगे तो वहाँ पर हमें भारी वर्षा देखने को मिली है। कल हमें जो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी है वो हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और तमिलनाडु के कुछ एक स्थानों पर देखने को मिली है। अगर हम ओलावृष्टि को देखें तो कल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से में और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो कोस्टल आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर बारिश श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुई है। वहीं पे तमिलनाडु में मैक्सिमम 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, पंजाब में 4 सेंटीमीटर और उसी तरीके से उड़ीसा में अधिकतम 11 सेंटीमीटर बारिश गोपालपुर में दर्ज की गई है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो कल हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे की तरफ बढ़ गया है, और वो हमें जो है अभी मिड ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज में एक ट्रफ के रूप में दिखाई दे रहा है पूर्वी भारत के ऊपर। और एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जो कि अभी ईरान के ऊपर देखा जा सकता है, वो जम्मू कश्मीर और पंजाब की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और एक जो है नॉर्थ साउथ ट्रफ जो कि हमारा छत्तीसगढ़ से लेकर के तमिलनाडु तक जा रहा है, और ये जो ट्रफ है हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजर रहा है। अगर हम इन सभी सिनॉप्टिक सिस्टम्स के चलते वेदर फोरकास्ट की बात करें, अगर हम खास करके उत्तरी पश्चिमी भारत को देखें तो हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी, और 3 और 4 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हमें थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी और गस्टी विंड भी जिसकी स्पीड लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत के प्लेन एरिया की बात करें, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो हमें 4 अप्रैल तक हल्की से मध्यम वर्षा एक आध स्थानों पर देखने को मिलेगी। हालांकि 3 अप्रैल को इन सभी क्षेत्रों में हमें अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा देखने को भी मिल सकती है, और साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी भी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी। अगर हम ओलावृष्टि को देखें तो हमें उत्तराखंड में 3 और 4 अप्रैल को ओला गिरने की संभावना है, और वहीं पे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ एक स्थानों पे 3 अप्रैल यानी कि कल भी ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। अगर हम पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत को देखें तो हमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के क्षेत्र में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा आने के स्थानों पे देखने को मिलेगी। और हालांकि 5 अप्रैल के बाद इन सभी क्षेत्रों में बारिश में कुछ कमी देखने को मिलेगी। अगर हम भारी वर्षा को देखें तो हमें अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, आसाम के पूर्वी हिस्से में, नागालैंड और मणिपुर में आज यानी कि 2 अप्रैल को एक आध स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है, और आज सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में एक आध स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगा। अगर हम दक्षिणीय प्रायद्वीप की बात करें तो दक्षिणीय प्रायद्वीप में खास करके जो हमारा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा है, तमिलनाडु और केरल के कुछ एक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा अगले 5 दिनों तक चलती रहेगी। इसके साथ ही तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से में हमें आज एक आध स्थानों पे भारी वर्षा देखने को भी मिल सकती है। अगर हम मध्य भारत और पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ पे अगले 5 दिनों तक कोई बहुत ज़्यादा सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। अगर हम टेम्परेचर को देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है लगभग लगभग पूरे ही भारत में, पूरे भारत के अधिकांश हिस्सों में नॉर्मल से 2 से 4 डिग्री कम चल रहा है, और ये टेम्परेचर्स जो हैं अगले 5 दिनों तक इन भारत के लगभग अधिकांश हिस्सों में हमें या तो नॉर्मल तक पहुंचने की संभावना है या नॉर्मल से 1-8 डिग्री कम रहेंगे।
अगले 5 दिनों तक कहीं पे भी हीट वेव होने की संभावना नहीं है। और ये जो है हमारा वेदर वार्निंग कलर कोडेड और ग्राफिकल फॉर्म में है। जैसा कि हम देख सकते हैं, आज यानी कि 2 अप्रैल के लिए हमने येलो कलर का वार्निंग दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों पे और पूर्वी उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों पे दिया हुआ है, क्योंकि दक्षिणी प्रायद्वीप और उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी हमें आज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हमें भारी वर्षा भी अरुणाचल प्रदेश, आसाम के पूर्वी हिस्से में और नागालैंड, मणिपुर और तमिलनाडु के भी एक स्थानों पर देखने को मिलेगी। अगर हम कल यानी कि 3 अप्रैल की बात करें, तो हमने उत्तरी पश्चिमी भारत में येलो कलर का वार्निंग दिया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के एकाध स्थानों पर कल ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरी पूर्वी भारत में और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों पर हमने येलो कलर का वार्निंग थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना की वजह से दिया है। 4 अप्रैल को अगर देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य भारत के एकाध स्थानों में, उत्तर पूर्वी भारत में भी हमने येलो कलर थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी की वजह से दिया हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 5 और 6 अप्रैल से उत्तरी पूर्वी भारत और उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप भी, जहाँ पे हल्की पुल्की बारिश और थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी अभी तक चल रही है जो कि 3 अप्रैल तक चलेगी, 5 अप्रैल से और से वहाँ पे काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई भी सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।